नमस्ते, आज हम कील मुहासे पिंपल्स के बारे में बात करेंगे। कील मुहासों का संबंध युवाओं के साथ होने से जब वो युवावस्था में आते हैं उनके साथ साथ ही कील मुहासे आते हैं। यौवन पीढ़ी का, मुख पीढ़ी का, मुख दूषी का या तारुण्य पीढ़ी का भी कहते हैं। हर युवक और युवती चाहता है कि उसका चेहरा आकर्षक हो। इस उम्र में उसे दर्पण के सामने बैठने को जी करता है। वो घंटों तक दर्पण के सामने बैठे रहते हैं और वो अपने आप से प्यार करने पर उन्हें जब सुंदर चेहरे की जगह उनका चेहरा मुहासे, दाग धब्बे से भर जाता है, तब वो अपने आप को हीरो से जीरो समझने लगते हैं। तरह तरह के उपाय करके भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, तब वो निराश हो जाते हैं। आज उन लोगों के लिए ये हमारा इलाज आशीर्वाद रूप होगा। कील मुहासे को मिटाने के लिए वो किन कारणों से होता है ये भी जानना जरूरी है। इन कारणों को खोजें, उन कारणों को दूर करें। कील मुहासे पर आप कितनी भी दवाएं लगाओ पर उनके कारणों को जाने बगैर वैसे ही दवाइयां लगाते रहोगे तो इतना फर्क नहीं होगा। उन कारणों को दूर करें और साथ साथ ये लेप भी लगाए। तो आओ हम उन कारणों के बारे में जानें। सबसे पहला कारण हॉर्मोन्स इम्बैलेंसिंग का है। दूसरा कारण अनियमित रूप से सोना, देर रात तक जागना, सुबह जल्दी ना उठना या दोपहर की नींद करना, ये भी एक कारण हो सकता है। तनाव, टेंशन के कारण भी ऐसा हो सकता है। अयोग्य खानपान भी एक कारण हो सकता है। मासिक धर्म में अनियमितता, इसे भी हो सकता है। हेरिडिटी, वारसागत आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है। एलर्जी के कारण भी हो सकता है। धूप में काम करना, धूप में रहना, इनसे भी हो सकता है। चेहरे की सफाई में बेदरकारी के कारण भी कील मुहासे होते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल या कोई लंबी बीमारियों के कारण, चलती दवाओं के कारण भी ये हो सकता है। महिलाओं को मेनोपॉज के कारण ये कील मुहासे होना स्वाभाविक है। अयोग्य सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग, आप इन सभी कारणों को दूर करने का प्रयास करें। मैं जो बताने जा रहा हूँ ये लेप का आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें, चेहरे पर लगाए, तो आपके चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, झुर्रियाँ यह सब दूर होगी और चेहरे की क्रांति बढ़ेगी, चेहरे पर निखार आएगा। आओ अब देखते हैं लेप बनाने की विधि। आज का ये हमारा लेप चार द्रव्यों से बना हुआ है। सबसे पहला है सफ़ेद सरसों, वाइट मस्टर्ड सीड्स। दूसरा लोद्र, लोद्री, लोद। तीसरा धनिया, धनिया पौडा, धनिया पौडी। और चौथा वज, गुजराती में घोड़ा वज, बच, वच, वेखंड, इन सब नामों से यह जाना जाता है। उन सभी द्रव्यों को खरल के अंदर पानी डाल के या नीम के पत्तों का रस डाल के पेस्ट बनाइए और अपने चेहरे पर लगाइए। ये लेप के अलावा अगर कोई और लेप आप लगाना चाहते हो तभी आप लगा सकते हो। अगर कील पकने से लहू निकलता हो, उनमें दाह हो, जलन होती हो, दर्द करता हो, तब आप दशांग लेप भी लगाए या फिर मैं एक और लेप बताता हूँ वो लगाए। ये भी चार द्रव्यों से बना हुआ है। आंवला, सोना गेरू, सोना मिट्टी या उसे गेरिक भी कहते हैं, चंदन, मुल्तानी मिट्टी या मुल्तान मिट्टी, या हम अपनी चिकनी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों द्रव्यों का लेप बनाए पानी के अंदर, फिर आप चेहरे पर लगाए। साथ साथ आपको रात को सोते वक्त त्रिफला गुनगुना पानी के साथ सेवन करें या फिर स्वादिष्ट विरेचन का गुनगुना पानी के साथ सेवन करें। इन सब का इस्तेमाल करने से
आपका चेहरा सुंदर आकर्षक फिर से निखार आ जाएगी, फिर से रौनक आ जाएगी, फिर से बाहर आ जाएगी। मैं चाहता हूँ ये उपाय आप ज़रूर करें, औरों को भी बताएं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।